दैट वाज अ गुड वन, दैट वाज अ गुड वन। ओवेस साथ के साथ है, एमजे भी साथ के साथ है, गैलेक्सी रेसर्स चार किल्स अपने खेल रहे हैं। आज गैलेक्सी रेसर्स का रोटेशन मुझे काफी प्रॉमिसिंग इसीलिए लग रहा है क्योंकि दूसरा ही सर्कल है, काफी लेट रोटेशन कर रहे हैं एंड यही मैं चाहता था क्योंकि आइदर आप बहुत जल्दी रोटेट कीजिए या फिर आप बहुत लेट रोटेट कीजिए, एटलीस्ट आपके यू नो पीछे जैसे कोई स्क्वाड ना हो, एटलीस्ट आपको अगर फाइट लेना भी हो तो एक दिशा से ले लेंगे, अगर सामने से अगर स्पॉट भी कर पाते कोई प्लेयर को जोन के अंदर। बट यहाँ पे हेलमेट की तरफ से आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन स्प्रे कंट्रोल एंड देखते ही देखते इन्होंने डाउन भी कर दिया मैक्स काश को और उनको फिनिश भी कर दिया, तो फिर से कहीं ना कहीं गैलेक्सी रेसेस अनलकी साबित हो चुके हैं। Well, मुश्किलें बहुत ज्यादा, यहाँ पर प्लस ईस्टर्न साइड से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो रोटेट करते हैं, बट ये जो सर्कल शिफ्ट मिलाकर गैलेक्सी रेसर्स यू नो एज के साथ कंप्लीटली लेफ्ट इन साइड रोटेट करके मे बी पावर ग्रिड का कॉम्पाउंड या फिर उसके आगे जो यू नो जो एयर ड्रॉप के नीचे वाले जो कॉम्पाउंड है बिल्कुल उस तरफ से बिल्कुल खेले तो शायद एक बहुत ही अच्छा अप्रोच हो सकता है, और ऑलरेडी वो मूवमेंट ले भी रहे हैं। बट साथ ही साथ रिको इन्फिनिटी की स्क्वाड थोड़ी देर में हमें अगला सर्कल भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर रिको इन्फिनिटी के प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं गैलेक्सी रेसर के काफी करीब। गैलेक्सी रेसर के प्लेयर्स पावर ग्रिड पर आ चुके हैं, आई वुड से इनको उस घर पे मूव कर लेना चाहिए। आई एम 100% श्योर सर्कल उधर जाएगा ही जाएगा, जो जो घर की आप बात करते फिक्सर्स, जो गन्स के नीचे था, जो वो खाली एरिया है, सर्कल उधर मूव करना चाहिए। अल्फा लेजेंड जरूर अपने प्लेयर्स को पिक करें, लेकिन वहां पर आप देखिए गैलेक्सी रेसर्स भी फाइट्स में आ रहे हैं, उन्होंने एक प्लेयर को जरूर ओवेस ने डाउन किया, उस फाइट को भी हम देखना चाहिए। ऑलराइट, दिस इज वेयर द फाइट इज, गैलेक्सी रेसर्स वर्सेस फाल्कन्स। सर्कल के भी एरियाज को होल्ड करना, उससे पहले यहां पर बाहर फाइट लेनी पड़ेगी। गैलेक्सी रेसर्स के अल्ट्रॉन कोशिश करेंगे पिक निकालने की स्पॉट किया एक प्लेयर को। ऑलराइट, दैट वाज अ गुड वन, दैट वाज अ गुड वन। ओवेस साथ के साथ है, एमजे भी साथ के साथ है, गैलेक्सी रेसर्स चार किल्स अपने हिस्से में रखते हुए जोन आ रहा है। जितनी लूट कर सकते हैं अभी करनी पड़ेगी और सीधा मूव करना पड़ेगा मेन बावन जीरो। ढेर सारा से इतका एचपी काफी ज्यादा कम है, लोका भी डाउन हो चुके हैं, पासे पलट चुके हैं, ओशन रिको इन्फिनिटी के प्लस गिर गए। व्हाट ऑन अर्थ इज हैपनिंग? इन सबके बीच में गैलेक्सी रेसर के प्लेयर्स अभी भी किल्स बटोर रहे हैं, सर्कल में आए थे लेकिन सर्कल उनसे दूर जाता है। रिको इन्फिनिटी के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, यल्ला का पूरा स्क्वाड यहां पर वाइप होता हुआ नजर आएगा। फेट के प्लेयर्स वापस से यू नो देखने की कोशिश करेंगे कि अगर एनएसआर के कोई भी प्लेयर्स को बैकलाइन से पिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अल्ट्रॉन को देख सकते हैं आप किल फीड पे, ये आज प्लेयर पागल हो चुके हैं और आई थिंक अल्ट्रॉन को यहाँ पे कोई भी आज रोक नहीं सकता जिस तरीके से खेल रहे हैं आज। इनफैक्ट गैलेक्सी रेसेस की सख्त जरूरत थी कि उनके यू नो मेन स्टार सॉल्टर अल्ट्रॉन फॉर्म में आ जाए और वो आ चुके हैं। पांच टीमें बचती है देवियों सचिनों, जिसमें रात के इकलौते अकेले प्लेयर बचे हैं दिलाब, जो हायर एरिया से दिक्कतें दे रहे हैं। एक प्लेयर को डाउन किया, रैग्नारॉक उनसे थोड़ा स्पॉटेड है बट वो पहले फिनिश करना चाहते थे, यहां पर उनको स्पॉट किया गया। रैग्नारॉक फ्रॉम अ लोअर ग्राउंड टू द हायर ग्राउंड एलिमिनेट करेंगे और अब चार टीमें बचती हैं। वरना अगर थोड़ी देर और रह जाते तो शायद और अच्छा पोजीशन निकाल सकते थे। फिलहाल गैलेक्सी रेसर्स के तीनों प्लेयर्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं, अभी के लिए तो जोन के अंदर है बट जोन जिस तरीके से इनसे मोहब्बत करी इस बार, आई मीन क्या ही बोले, हर टाइम उनके विपरीत चले जाती है बट उसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे खिलाड़ी कोई कम नहीं, रिवाइव कर दिए जाएंगे। बट टीम अल्फा लेजेंड्स के प्लेयर्स को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा एंड यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है कि कैप्टन को प्रायोरिटाइज करेंगे, नो इनफैक्ट फाइट के लिए कमिट कर रहे हैं और रिको इन्फिनिटी के प्लेयर्स आई थिंक उनको एलिमिनेट कर देंगे। यस, यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ते हुए एक एंगल उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए क्लियर कर दिया है और अल्ट्रॉन यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। एमजे जल्दी से जल्दी जाएंगे उनको रिवाइव देंगे बट क्या टीम फेट के प्लेयर्स यहाँ पे पुश करेंगे? हम इंतजार में थे कि टीम फेट कब हम लोग को एक्शन में देखने को मिलेगी, फेट पुश कर रही थी गैलेक्सी रेसर्स के ऊपर बट रिको इन्फिनिटी उनके ऊपर अभी शॉट्स ले रही है। गैलेक्सी रेसर्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं से जीवन दान मिलता हुआ अल्ट्रॉन रिवाइव हो चुके हैं, देखना पड़ेगा कब फर्स्ट एड लगाते हैं, कब वापस फाइट के अंदर एंट्री करते हैं। सर्कल भी आने वाला है, देवियों रैग्नारॉक की भी एचपी काफी ज्यादा कम है, ऐसा लगता है एकदम से फाइट बदल चुके हैं क्योंकि रिको इन्फिनिटी के ऊपर फेट के प्लेयर्स आ चुके हैं। ये एक ब्रीथिंग स्पेस देता है गैलेक्सी रेसर्स को, वो स्पेस उनको मिल रहा है। दो प्लेयर्स बचे हुए, फोर वर्सेस थ्री वर्सेस टू का सिचुएशन है जिसमें फेट के प्लेयर्स अब रिको इन्फिनिटी के प्लेयर्स को देख रहे हैं और वहां पर प्रेस्टीज को नॉक भी किया जाएगा अल्ट्रॉन की तरफ। ऑलराइट, द एरा ऑफ अल्ट्रॉन इज स्टार्टिंग अप अगेन। छह किल्स है टीम के पास जिसमें से दो अल्ट्रॉन के हिस्से में, एक एमजे के हिस्से में, बट अल्ट्रॉन की एचपी वापस से कम हो चुकी है, उन्होंने अपने लिए फर्स्ट लगा दी सही टाइम पर। बोथ द प्लेयर्स आर बर्निंग, बोथ द प्लेयर्स आर बर्निंग। लास्ट से भी अल्ट्रॉन के लिए खराब रहा था मोलोटोव, इस बार भी मोलोटोव इनके लिए खराब जाता हुआ। एमजे कम एचपी पर बचे हुए बट ही डज नॉट वॉन्ट टू मूव एट ऑल। ओ माई गॉड, उनको पिक किया जाएगा। फेट और रिको इन्फिनिटी की
फाइट बनती है, क्या रिको इन्फिनिटी एक और अंतर है इन सारी टीमों के बीच में वो कितना है। यहाँ पे बात करें बाकी टीमों की तो ऑफकोर्स गैलेक्सी रेसेस, फेट, राज, अरब चीसी, इन्होंने 25-25 गेम्स खेले इन कंपैरिजन टू द अदर टीम्स प्लेइंग 40 गेम्स। तो एक्स्ट्रा 15 गेम्स का उनके पास एडवांटेज जरूर था। society